यात्रा 4,500 किलोमीटर पहले चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस यात्रा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में पड़ा और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि जनता ये मांग करती है कि पूरब से पश्चिम एक और यात्रा निकालें, और कार्य समिति के सामूहिक आग्रह पर उन्होंने यात्रा के लिए हाँ भरी, क्योंकि समय कम था इसलिए यात्रा कुछ हिस्सों में पैदल है, कुछ गाड़ियों में है। लेकिन यात्रा का जो उद्देश्य है, जिसका उल्लेख अभी जयराम जी ने किया, वो बड़ा स्पष्ट है कि देश में पिछले 10 साल में जो हालात निर्मित हुए हैं उसमें असंतोष है, कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया गया है, और जो वंचित वर्ग है वो हर जाति बिरादरी के जो लोग, जो किसान वर्ग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन लोगों को उनकी भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी मिले। और ये जो खाई बन गई है अमीर गरीब की, 10 साल का जो आर्थिक नीतियां बनी हैं उसके कारण ये खाई बनी है। इस खाई को कम करने के लिए दबे कुचले वंचित जिनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा, उनकी आवाज़ बनने के लिए राहुल जी निकले हैं इस यात्रा के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन गैर सामाजिक संगठन है, किसान वर्ग है, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, नौजवान हैं, वो सब यात्रा से जुड़ रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग रोज राहुल जी से मिलते हैं और मुझे लगता है एक चेतना जाग उठी है पूरे देश में। इस यात्रा के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, एक विचारधारा को मजबूती मिलेगी और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है अपने आप में एक ऊर्जा का संचार उसके होता है, और आने वाले समय में इसका राजनीतिक लाभ भी मैं मानता हूँ संगठन को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा आई है।